नमस्कार, आप देख रहे हैं मीडिया विज़न न्यूज़ चैनल। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आउटसोर्स के मुद्दे पर विपक्ष द्वारा किए गए वॉकआउट पर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, यह सिर्फ विपक्ष का प्रोपेगेंडा है, हम किसी भी आउटसोर्स कर्मचारियों को नहीं निकाल रहे हैं। आइए आगे सुनते हैं कि उन्होंने क्या कहा। भारतीय जनता पार्टी जो विपक्षी दल है वो अपने आप तो कुछ कर नहीं पाया, और जब सत्ता के बाहर हुए, अभी 3 महीने हुए हैं, तो आउटसोर्स कर्मचारियों की बड़ी चिंता उन्हें सताने लगी है। मेरे बजट भाषण को भी उन्होंने ध्यान से नहीं सुना, और मैंने अपने बजट भाषण में कहा कि आउटसोर्स जो कर्मचारी है, और भी कोई कर्मचारी है, जैसे करुणामूलक कर्मचारी है, आउटसोर्स कर्मचारी है, हमारी सरकार इस पर कैसे आगे बढ़ा जाए, इस पर काम कर रही है। और जब उन्होंने देखा कि बजट में हमारे पास कहने के लिए कुछ नहीं था, तो नियम 67 के तहत ये प्रस्ताव लेकर वो अपना ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं, और वॉकआउट के द्वारा इस प्रकार उपस्थिति दर्ज करना चाहते हैं कि हम विपक्ष में रहकर आपकी आवाज उठा रहे हैं। जब सत्ता में थे तब तो किया कुछ नहीं, और अब सिर्फ उपस्थिति दर्ज करने के लिए वॉकआउट किया जाता है, ये मेरा मानना है। पूर्व मुख्यमंत्री का कहना है कि जो मुख्यमंत्री हैं वो सदन में ना होने की बजाय वो अपने नेता को बचाने में लगे हैं, जो संवैधानिक मर्यादाओं के खिलाफ है कोर्ट में जाकर। देखिए, हमारे कांग्रेस पार्टी हिंदुस्तान की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी है, मुख्य विपक्षी पार्टी, और मुख्य विपक्षी पार्टी के सबसे बड़े नेता राहुल गांधी जी हैं। अब राहुल गांधी जी जब परिवार में कोई बात होती है तो परिवार के सभी सदस्य इकट्ठे होकर उस समस्या से निपटना चाहते हैं। अगर हम एक दिन के लिए चले गए तो पूर्व मुख्यमंत्री जी को यह ध्यान में रखना चाहिए कि ये चीजें आने वाले समय में, आप भी पहले पीछे जाते रहे हैं, तो इस चीज को, ये राजनीतिक मुद्दा नहीं है। और निश्चित तौर पर मैं कल सूरत में था, और हमें आगे भी जब उनके हमारी जरूरत होगी उनको, हम उनके साथ पूरी कांग्रेस पार्टी, अभी तो मैं गया हूँ, उसके बाद पूरा मंत्रिमंडल भी जाएगा और सारे विधायक भी जा सकते हैं। सर, नशे के खिलाफ जो प्रदेश सरकार की लड़ाई है, आज का विधानसभा में एनडीपीएस एक्ट में अमेंडमेंट को लेकर प्रपोजल आया है, प्रस्ताव पारित किया गया है, जो पेंडिंग हो जाएगा, क्या कितनी सख्ती चाहते हैं, किस तरह से डील करेंगे इस बारे में? मेरे माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी से बात हुई थी, और माननीय गृह मंत्री जी से मैंने अनुरोध भी किया था कि हिमाचल प्रदेश में जो नशे के सौदागर है उनके खिलाफ हमें कड़ी कार्रवाई करने की अनुमति प्रदान की जाए, क्योंकि जो एक्ट है उसमें सेंटर एक्ट है, उसका प्रोविजन का अगर कोई बदलाव करना होगा या इंसर्ट करना होगा तो वो सिर्फ केंद्र सरकार ही कर सकती है। इसलिए हमने संकल्प लाया है, और निश्चित तौर पर हमारे संकल्प पर भारत की केंद्रीय सरकार उस पर गौर करेगी, और मैं इस बारे में माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी से भी मिलूंगा। सर, जो जेल, अगर हम ड्रग्स का मामला देखें, जो जेल की अभी कैपेसिटी है दैट इज अराउंड 2400, टोटल 3000 कैदी अभी हैं। देखिए, हम इस मामले पर एक मीटिंग कर चुके हैं, और रिहैबिलिटेशन डिएडक्शन सेंटर बनाने के लिए भी बातचीत कर चुके हैं। अब देखते हैं आने वाले समय में किस दिशा में आगे बढ़ते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। इसके अतिरिक्त आप लंच करा रहे हैं जो विशेष डेस्टिट्यूट के बच्चे हैं, जो आपका एक ड्रीम भी है, उनके लिए स्पेशल स्कीम भी आपने? नहीं, वो आज हमारे जो बालिका आश्रम में अनाथ बच्चियां हैं, जो अनाथ बच्चे थे, और मैं मुख्यमंत्री की बनने के बाद पहली बार सचिवालय की जगह वहां गया था, आज मैंने उन बच्चों को विधानसभा की कार्रवाई देखने के लिए भी बुलाया था, और अभी उनके साथ हम लंच भी करेंगे, हमारे सभी मंत्रिमंडल के सदस्य, और आज हम उनको एक अधिकार भी देने जा रहे हैं। शाम को हमारी कैबिनेट की बैठक होगी, उसमें हमारी सब उनके अधिकारों पर चर्चा होगी कि उनको हम चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट का दर्जा कैसे दे, कैसे आगे बढ़ा जाए, इस दृष्टिकोण से आज हमने कैबिनेट भी बुलाई है, और जब सभी मंत्रियों की राय लेने के बाद हम उस पर आगे बढ़ेंगे, और उन अनाथ बच्चों के साथ बैठकर आज, क्योंकि वो विधानसभा सेशन देखने आए तो दिन का लंच उन्होंने नहीं किया होगा, तो हम सब लोगों ने फैसला किया
या उन अनाथ बच्चों के साथ मिलजुल कर आज लंच किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।